हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड 12 स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और इसके पहले आपको जो है एग्जांपल्स के क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। मैंने दो एग्जांपल्स के क्वेश्चन कराए हैं, उस बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के, यानी कि हमारे जो होमोजीनियस टाइप का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बता रहा है, पूछ रहा है, इसको हम कैसे डील करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है कि आपको उनको बार बार जो है प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगर आप बार बार कर लोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको सारे के सारे स्टेप्स पता है अगर आपने एग्जांपल्स देखे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चंस को। देखो, फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका कि इन जो एक्सरसाइज, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक में आपको ये दिखाना है कि जो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज अ होमोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर ऐसा है तो फिर आपको उनको सॉल्व भी करना है। और हमने ये चीजें बड़ी अच्छे तरीके से हमने क्या करी है, हमने एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व किया है। आपको सारा का सारा स्टेप पता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है होमोजीनियस जो है दिखाते हैं। कैसे दिखाते थे, देखो देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इसका dy dx या dx dy निकालो। तो आप यहां से इजीली क्या निकाल सकते हो, सिंपली आपके पास यहां पर dy है, इस dx को क्या कर लो, इसके अपॉन में ले आओ। तो देख लो कितना हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब जैसे ही आया, ठीक है, तो हम इसका क्या करते थे, दैट मीन्स हम इसको जो है फंक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं हमारे इक्वेशन फर्स्ट है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब मैंने आपसे बताया था कि आपको ये स्टेप भी पता होना चाहिए कि अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक होमोजीनियस फंक्शन को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा x रखेंगे, और y की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा y रखेंगे। ठीक है, चलो रख करके देखते हैं। तो f लैम्डा x प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब देखो, यहां पर हमें x की जगह क्या रखना है, लैम्डा रखना है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर होगा ना भाई। y की जगह क्या रखेंगे, लैम्डा y, तो y का होल, दैट मींस लैम्डा y का होल स्क्वायर, दैट मींस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पर भी रख देते हैं, यहां पर देखो आपके पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स की जगह रख देना है, देखो एक्स की जगह देखो रखेंगे लैम्डा एक्स, और वाई की जगह रखेंगे लैम्डा वाई। तो लैम्डा और लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, यहां भी हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहां से आप क्या कर लो, यहां से आपको साफ साफ जो है लैम्डा स्क्वायर बाहर कॉमन दिख रहा है सभी में, तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा अपॉन, यहां से भी लैम्डा स्क्वायर आपको कॉमन दिख जा रहा है, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का एक्स वाई बचेगा। ये बताओ, ये लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो लैम्डा की पावर जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बोलो ये होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू देखो क्या है, इसकी वैल्यू देखो क्या है, ये इतनी है, दैट मीन्स ये है, ये चीज वही तो है। तो क्या हम इसका ऐसे लिख सकते हैं क्या, लैम्डा की पावर जीरो या लैम्डा की पावर जीरो, और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इक्वेशन, देखो हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब याद है ना, ये हमारा अगर इस टाइप का अगर फॉर्म बनता था तो हम कहते थे कि हाँ, ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में, तो ये आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे नहीं प्रूव करेंगे, क्लियर है। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिख दोगे कि हमारी जो इक्वेशन है, यानी कि आपकी कोई भी इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो आपका, या फिर जो क्वेश्चन है, और बता दो कि आपका वो एक होमोजीनियस क्या है, एक इक्वेशन है। ये हो गया, अब बारी है इसके सॉल्व करने की। इतनी जो बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता है सॉल्व करने में हमें स्टेप बाय स्टेप कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इसे से हम लोग मिटाते हैं। देखो अब बारी आती है सबसे पहले कंसीडर करने की, हम यहाँ पर चीजों, हम यहाँ पर एक चीज हम कंसीडर करते थे क्या, मैंने आपसे बताया था कि अगर ये dy dx होता है तो आप क्या मानते हो, लेट करोगे कि आप क्या, कि y इज इक्वल टू v इंटू x। यहां पर अगर dx by dy होता, dx dy होता, तो आप क्या मानते हैं, आप मानते हैं x इज इक्वल टू v इंटू y, क्लियर है ना। ये तो बातें ध्यान से रख लो, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के मस्ट है कि एक बार देखो। ठीक है, उसमें आपको एक बेसिक आइडिया पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, होमोजीनियस वाले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है, जैसे ही होमोजीनियस आएगा आपको तुरंत सारी की सारी बातें याद आ जाएंगी। अच्छा, हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, कर लिया इसको हमने, मान लिया, मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, ये आपका मान लो फर्स्ट है। ठीक है, आपने इसे फर्स्ट मान लिया है, तो इसका आप क्या कर दो, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एक बार लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो देखो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे आप, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करोगे हम, देखो डायरेक्टली कर दें या एक बार एक्सप्लेन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट इंटू,
वी इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सेकेंड का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे दैट मीन्स वन मिलेगा प्लस सेकेंड यानी कि एक्स इंटू डीवी डी एक्स, ये तो होगा सिंपल, कोई एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। तो आपने यहाँ से फाइनली आप ये बोल बता दो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखो आपको क्या मिल गया वी प्लस एक्स इंटू डीवी डी एक्स, बोलो ये मान लेते हैं हम सर इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो हमें करना क्या होता है कि इस इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन सेकेंड से y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और जहां पे हमारे पास डी वाई डी एक्स है वहां पर रखेंगे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इस वाले इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि इक्वेशन सेकेंड से एंड इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है हम वो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ये बात क्लियर है, रख दी जाए इतनी वैल्यू। चलो देखो देखो यहाँ पर आपने कहा सर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड की वैल्यू में रखनी है फर्स्ट में ना, तो डी वाई डी एक्स की जगह कितना रखना, हमें रखना है वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही रखेंगे प्लस वाई स्क्वायर की जगह देख लो कितना हो जाएगा वी इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा और प्लस एक्स की जगह एक्स रहेगा, वाई की जगह हो जाएगा वी इंटू एक्स। क्लियर है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम जो है ना देखो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं पूरे में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा वन प्लस वी अपॉन यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया वन प्लस वी, ठीक वन प्लस एक यहाँ पर वी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपके पास देखो क्या बचा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स ये कैंसिल आउट हो गया वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, ये बचा ये वी है यू नहीं है। आपको इस देखो इस वी को आपको जो है इस तरह भेजना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लो ये हो जाएगा एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी और माइनस वी, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसके फॉर्म में कुछ नहीं तो वन, अब यहाँ पर वन प्लस वी है यहाँ पर भी वन प्लस वी होना चाहिए तो उसके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे वन प्लस वी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस, देखो माइनस है ध्यान समझना, तो ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली देखो वी और माइनस वी स्क्वायर, बताओ ये अगर डायरेक्टली कर दे तो अपॉन वन प्लस वी, ये देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली आपके पास क्या बचा आपके पास बचा एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर प्लस ये वी स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट हो गया वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। अब देखो अब हम करने क्या वाले हैं ना, ये जस्ट लाइक आपके पिछले वाले वीडियोज की तरह है, यहां पर डी वी है यहां पर डी एक्स है तो और यहाँ पर ये पूरा का पूरा v वाला टर्म है तो इसको होना चाहिए था इस तरफ और इस x dx को होना चाहिए था इस तरफ, ऐसा करते हैं देखो ये 1 माइनस जो v है वो इधर अपॉन में आ जाएगा और ये जो 1 प्लस वी है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बात को ध्यान समझो, तो देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, बोलो इतनी बात समझ आई इंटू डी वी, ठीक ये चला गया इस तरफ ये आ गया इस तरफ अपॉन में है ना, और ये जो x है ये आ गया अपॉन में और ये जो dx है वो चला गया मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है, अब क्या कर दिया जाए इसका टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड जिस तरीके से हम लोग करते थे, क्या लिखते हो यहां पर आप टेकिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है आप लिख दोगे। चलो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब, चलो एक बार इसको यहां पर हम लोग जो है लिख लेते हैं, है ना, देखो ध्यान समझो क्या था हमारे पास, हमारे पास ये बचा था वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये था ना। अब सवाल उठता है सर कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, हम यहां पर ये लगा देते हैं, ठीक है देखो थोड़ी देर के लिए समझो, यहां पर आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो आप अब इसका जो है डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्यों वन प्लस बी वन माइनस बी इस टाइप का आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, क्या करोगे आप इस ऊपर वाले को जो है ना इस नीचे वाले की तरह बनाने की कोशिश करते थे, याद है किस तरीके से हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे, तो अब ऊपर देखो क्या वन प्लस बी और नीचे क्या देखो वन माइनस बी, तो अगर हम ऊपर भी अगर वन माइनस बी अगर बी अगर समथिंग करके अगर कुछ बना लेते हैं तो हमारा काम बन सकता है। देखो करना कैसे है, ऐसा करते हैं कि ये वन प्लस बी है तो क्या हम इसे टू माइनस वन प्लस वी लिख सकते हैं क्या, बात तो भी वही है अपॉन वन माइनस वी इंटू डी वी
इज इक्वल टू, इसको ऐसे छोड़ दो, 1/x dx, साथ का साथ ही का मतलब साथ में ही दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो यहां से आप माइनस को कॉमन ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, कैसे, दैट मीन्स 2 - 1 - v / 1 - v, देखो बन गया 1 - v, तो हम क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 2 upon this और 1 - v upon this into dv is equal to 1/x dx, ये बोलो हो जाएगा। अब देखो हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon 1 - v और -1 - v upon 1 - v, और इस पूरे का क्या, इस पूरे का क्या, dv is equal to 1/x dx, ये बात क्लियर है। अब देखो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon 1 - v और -1 और इस पूरे का क्या, dv, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब देखो अब हम इसका फर्दर जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान से देखना, मैंने आपको कई बार ये बातें बताई हैं, मैंने आपको कई बार आपको मैंने आपको जो है आपको ये चीज बताने की कोशिश करी है कि अगर यही पार्ट अगर 2 upon 1 + अगर v में करके होता ना, तो हम इसको मानते या नहीं मान करके करते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये जैसे ही v क्या हो गया, माइनस में हो गया, या v के पास 2 का मल्टीप्लाई है या v के पास 3 का मल्टीप्लाई है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखो कैसे, जब आप इसको मानोगे 1 - v को जब आप मानोगे ना t, तो 1 - v, तो बात को थोड़ा सा समझना, आप समझ रहे हो, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि हाँ सर हम फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन हम फॉर्मूले में लॉग भी मतलब माइनस भी हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, आपने जैसे माना 1 - v = मान लो थोड़ी देर के लिए आपने t मान लिया, तो माइनस बी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे क्या करोगे, माइनस का dv = dt। सो ये देख रहे हो, यानी कि अब dv इज इक्वल टू क्या रखोगे, -dt रखोगे, यानी कि जहां पर भी dv होगा उसकी जगह -dt है ना, तो माइनस आ गया ना। अब यही चीज अगर यहां पर अगर प्लस में होता ना, तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो हम यहां से क्या करते वाले, देखो 1/1 - v, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो माइनस का 2 log t, और t का मतलब है 1 - v। सिमिलरली आप जब आप इस 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू, जब आप v कर रहे हो तो क्या करोगे, -v, और इज इक्वल टू, ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू, आप इसका भी कर दो, 1/x dx, तो x और dx का करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, log x, और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, log x, और मान लो एक आपका एक कॉन्स्टेंट आएगा, और उसको भी हम ले लेते हैं किसमें, log में, log c, ठीक है, log में ही लेंगे दोनों तरफ है, ये बात क्लियर होगी। ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर यही चीज अगर प्लस में होता ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, आप डायरेक्टली कर देते, आंख बंद करके कर लेते, लेकिन अगर माइनस है, वी के पास 2 है 3 है समथिंग कुछ भी है, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, वो अगर 2 होता तो अपॉन में जाता, 3 होता तो वो भी अपॉन में जाता, माइनस है तो माइनस ही लग जाएगा, क्लियर है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रखो आप। अब देखो आपने इसका कर लिया, अच्छा यहां से आपको देखो क्या करना है कि एक मिनट, देखो ये फाइनली हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ये मे भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा सुटेबल हमें फॉर्म ने जो है वो नहीं लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, देखो सारे के सारे लॉग वाले को एक तरफ ले जाओ, इस वी वाले को इधर ही छोड़ दो, सारे के सारे लॉग को उस तरफ ले जाओ, तो क्या बचेगा, देखो माइनस का वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, और ये आ जाएगा इधर प्लस का 2 log 1 - v। यहां से इस माइनस को अगर हटाएंगे हम, तो वी इक्वल टू देखो हमें कितना मिल जाएगा, तो जो चीज हमारी माइनस में है वो चीज हो जाएगी प्लस में, जो प्लस में है वो हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे हमारे पास सभी के सभी चीजें हमारे यहाँ पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास सभी चीजें प्लस में ही है ना, तो ऐसा करते हैं कि इन सभी को हम माइनस में कर दे, दैट मीन्स लॉग एक्स, और पहले इसको लिख लेते हैं माइनस का 2 log 1 - v, और ये हम इसको छोड़ देते हैं प्लस का 2 log c। अच्छा देखो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात समझना, देखो इस log c को ना हम अभी भी प्लस log c ही लिख रहे हैं, देखो ऐसा क्यों है, log का देखो मतलब ये हमारा कॉन्स्टेंट वाला टर्म था, मान लो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर log c ना लेकर के मान लो आप ले लेते log k, थोड़ी देर के लिए समझना, आपने ले लिया मान लो log k ले लिया, फिर अगर आप जब इस माइनस को जब आप इधर ट्रांसफर करते, तो यहाँ पर क्या होता, माइनस का log c होता, या फिर सॉरी माइनस का log k होता, तो हम उस माइनस के log k को समझना, माइनस के log k को हम क्या ले रहे हैं, log c ले रहे हैं, मतलब ओवरऑल हमें जो कांस्टेंट है वो हमें प्लस में ही रखना होता है, या फिर एक तरीके से इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर देख रहे हो कि अगर आपका ये log c अगर माइनस में आ जा रहा है, तो माइनस में लेने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, देखो मैंने आपसे बताया था कि हम किधर की तरफ भी हम कांस्टेंट ले सकते थे, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप अगर इधर की तरफ अगर आप कांस्टेंट ले रहे हो, और मान लो आपने ले लिया
लॉग सी ले लिया। जब आप इस लॉग सी को जब आप इधर भेजोगे तो जाएगा माइनस का लॉग सी, अब फिर जब माइनस, जब ये वाला माइनस जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर लॉग सी हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो कांस्टेंट लेना है वो आपका जो है ना वो प्लस में ही लेना है। ऐसा नहीं कि इसके साथ आप जो है माइनस प्लस का खेल करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल मान लो कि आपने के लिया, माइनस का लॉग के आया, तो आप उस पूरे माइनस के लॉग लॉग के की जगह आप रख रहे हो प्लस का लॉग सी रख दे रहे हो। भाई कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अब क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, लेकिन रूल तो यही होता है लॉग, मतलब कांस्टेंट को लेने का तरीका जो है वो यही होता है, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको ये बताया कि आप लॉग सी इधर ले सकते थे, इधर भेज दिया माइनस में, फिर इधर ये भी आया, फिर से ये प्लस में हो गया, तो इसको प्लस में ही रखोगे आप हमेशा, ठीक है। देखो उसके बाद यहां से आप देखो क्या कर लो, यहां पर देखो 2 लग रहा है, तो यहां पर 2 होना नहीं चाहिए था, वैसे बेसिकली हमारा ये फॉर्मूला तो बन जाता, लेकिन यहां पर ये 2 लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस 2 को हटाते हैं। तो 2 को हटाने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके स्क्वायर में इसको भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स v इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखो माइनस का लॉग x और माइनस का लॉग 1 माइनस v के पावर 2 है ना होल 2 और प्लस का लॉग c, ठीक है। अच्छा इन दोनों लॉग में से आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो वी इक्वल टू देखो क्या बचेगा आपके पास, आपने माइनस का जो है माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा देखो आपके पास, आपके पास बचा लॉग 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 एक्स प्लस लॉग 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर लो, और प्लस का लॉग सी। ये दिख रहा है क्या, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन टू एन क्या बनता है, सो दैट v इज इक्वल टू माइनस का लॉग, फिर माइनस रहे तो माइनस हटा दो, मतलब ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस का लॉग m इंटू एन। तो m इंटू एन का मतलब है कि x इंटू 1 माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस का लॉग c। अब फिर से देखो आपका फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, लॉग m माइनस, ये माइनस में ना, लॉग m माइनस लॉग n, बात समझो, फील करो, लॉग m माइनस लॉग n, ये पूरा आपका n है, तो यह आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, क्या होता है यह फॉर्मूला जानते हो, log m माइनस log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n। तो log c अपॉन दिस होगा, log c अपॉन ये पूरा, दैट मीन्स v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो log c अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा x इंटू 1 माइनस v का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। लेकिन गड़बड़ है ना, क्योंकि आपने v की वैल्यू मानी थी, तो आपको यहां से क्या करना है, आपको यहां से v की वैल्यू हटानी है, तो क्या कर लेते हैं, v की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। v इज इक्वल टू हमने क्या माना था, या y इज इक्वल टू हमने देखो क्या माना था, v अपॉन सॉरी y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो v वैल्यू, v इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, y अपॉन एक्स है ना। तो हम क्या करते रहे, हम यहां पर जो है पुट कर रहे हैं क्या, v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स रख देते हैं, सो रख दिया जाए, सो y अपॉन x इज इक्वल टू log, अब देखो c की जगह तो c ही रहेगा, अपॉन x की जगह x रहेगा, 1 माइनस v की जगह कितना रख दिया जाए, y अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक। इसको फर्दर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू log, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कैसे देखो, c अपॉन x इंटू इसके कॉम्बिनेशन तो कितना है, 1 है, दैट मीन्स हम ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस वाई अपॉन x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये देखो, ठीक है। तो y अपॉन x इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, log, ये देखो ये x का स्क्वायर है तो ये इससे बाहर निकल सकता है, ठीक, x स्क्वायर इंटू एक्स ये ऊपर, तो ये दोनों एक बार x है, ये एक बार x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये जो अभी एक x बचेगा ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो क्या बच गया देखो आपके पास, ये आपके पास हो गया log सी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर छोड़ दिया जाए, देख लिया जाए एक बार, आंसर चेक कर लिया जाए, एक मिनट रुक जाओ। ओ देखो यहां पर क्या किया ना इसने, log को देखो हटाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो जब ये लॉग इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, e के पावर y अपॉन x हो जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई के पावर टू और इंटू ई के पावर वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो या एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को आप यहीं पर छोड़ दो, इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा सी एक्स और ये चला जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में लिखें या हम इनको ये भी लिख सकते हैं क्या कि ई के पावर माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया कितना बड़ा है, मजा आया। लेंदी नहीं है, देखो हम कह रहे हैं हाँ लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी तो है बिल्कुल, लेकिन आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत जल्दी से कर लोगे और आपको एकदम भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बस क्या करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है अच्छी खासी। ओके समझ में आया, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आप जो टू है ये ऑलरेडी वाई डैश दिया गया है, y डैश का मतलब है डी वाई डी एक्स। ठीक है, आपके हिसाब से डी वाई डी एक्स दिया गया, चलो ठीक है कर लेता, नहीं बच्चे कहेंगे सर बता दो फिर। देखो मैं क्या सोच रहा था ना कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया तो मेरे को ये लग रहा था कि शायद आप इस बेसिस पर क्या आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन ही रहेगा, वैसे हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी जो है थोड़ी सी जो है आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इसके बेसिस पे क्या, मतलब जैसे हम आपसे बोलें जैसे देखो मैंने आपसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया तो क्या आप इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लोगे, फोर्थ सब फिर सारे ही कर लेंगे, नहीं सारे नहीं कर रहे हैं, हम जैसे कह रहे हैं कि आप जो है ना इस बेसिस पर क्वेश्चन नंबर फोर तक तो पक्का श्योर कर लोगे, फोर्थ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इवन फिफ्थ तक भी में भी नहीं आएगी। ठीक, चलो ऐसा नहीं करेंगे, ये आपकी हम बस केवल राय जानना चाहते थे कि हाँ सर ऐसा हम कर लेंगे या ऐसा हम सर नहीं कर पाएंगे, आप पूरे क्वेश्चन कराया करो। ठीक है, बस आप ये इतना बता दोगे कमेंट करके हाँ कि सर आप पूरे क्वेश्चन कराया करो या नहीं सर ये सफिशियंट है, आपने इतना बता दिया सर इसके बेसिस पे हम थर्ड फोर्थ आप जितना ही बताओगे हम उतना कर सकते हैं। ठीक, चलो बाकी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करने वाले हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो आप। देखो चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है, ये ऑलरेडी देखो वाई डैश इज इक्वल टू दे दिया रखा है ना, वाई डैश का मतलब है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका ये एक होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सो अगर ये होमोजेनियस फंक्शन होगा तो क्या आना चाहिए, इफ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू रखते हैं तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। सो लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लैम्डा कॉमन हो गया, क्या बचा आपके पास एक्स प्लस वाई अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सो फाइनली ये आपके पास बचा लैम्डा की पावर जीरो और एक्स प्लस वाई, और इस एक्स प्लस वाई का देखो अपॉन में एक्स भी है अपॉन में एक्स, और इस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या है, दिस दैट मीन्स लैम्डा की पावर जीरो और एफ एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स हमारे ये होमोजीनियस फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की, बहुत इजी है, इसको नोट ऑन, इतनी बातें जल्दी से नोट ऑन कर लो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखो इसे कैसा सॉल्व करेंगे, तो ये जो है ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसे हम मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए। ठीक है, अब देखो डी वाई डी एक्स के फॉर्म में है तो अब ऐसी बात है, मैंने आपसे बताया या मैंने आपको कई बार बताया कि डी वाई डी एक्स के अगर फॉर्म में होगा तो आप क्या करोगे, आप लेट करोगे फाई इज इक्वल टू वी इंटू एक्स। ठीक है, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा डायरेक्टली कर दिया जाए डी वाई डी एक्स इज इक्वल, देखो क्या मिल जाएगा वी प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा वी प्लस और एक्स का कर देंगे तो वन हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास एक मिनट हो गया, नहीं ठीक तो था वी प्लस इंटू वन कर दिया फिर प्लस सेकेंड यानी कि एक्स का करेंगे तो एक्स मिलेगा और इंटू डी वी डी एक्स। ठीक है, ये आपका बना इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करते हैं हम इक्वेशन सेकेंड से और इक्वेशन थर्ड से की जो वैल्यू है वाई इज इक्वल टू वी एक्स और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ये जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर टू में, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में क्या करते हैं पुट करते हैं ना, तो फ्रॉम इक्वेशन टू या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ठीक है फर्स्ट से ले लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा तो हमें रखना है डी वाई डी एक्स की जगह हमें रखना है, देखो क्या रखना है, हमें रखना है वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स इज इक्वल टू उसके बाद एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई की जगह हमें रखना है क्या वी इंटू एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स है
और यहां से देखो हम क्या करते हैं, यहां से हम ना x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा आपके पास 1 प्लस वी अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास बचेगा, देखो क्या ऐसा करते हैं, v को भी इधर भेज देते हैं, तो x dv dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी और ये हो जाएगा माइनस वी। सो एक्स डीवी डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपके पास क्या बच जाएगा 1। तो बड़ा आसान हो गया है ना, डीवी डी एक्स, अब ये एक्स और डी एक्स थोड़ा गलत जगह है तो इसको भी इधर होना चाहिए। सो फाइनली डीवी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। क्या करते जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका तो बड़ा आसानी से आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, कभी कभी होता है ना, कभी कभी किसी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3rd में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को 2 में प्रॉब्लम आ गई, किसी को 1st में प्रॉब्लम आ गई, किसी को 5th में प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक सर, सारी बातें सर आप ही बोल देते हो, है ना। चलो dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो dv का आप करोगे क्या मिलेगा, v मिलेगा, और 1 अपॉन एक्स का करोगे क्या मिलेगा, लॉग एक्स मिलेगा और प्लस का सी। ठीक, सो फाइनली आपको यहाँ से मिल गई वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ से इस v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू देखो कितनी है, v की वैल्यू हमने मानी है, मतलब कि y इज इक्वल टू माना था v अपॉन v इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन x, तो y अपॉन x इज इक्वल टू log x और प्लस का c। ठीक है, चाहो तो ये छोड़ दो या फिर इतना ही आंसर छोड़ दो, या चाहो तो ये भी कर सकते हो y इज इक्वल टू x log x और प्लस सी एक्स, ये भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू समथिंग कुछ कैसे आना चाहिए। ठीक, जो भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप डट के नहीं जाओगे। ठीक, आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया, समझ में आया आपको, बताओगे आप कमेंट करके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3rd जो है ट्राई करोगे और मेरे को आप कमेंट करके बताओगे सर क्वेश्चन नंबर 3rd सर मैंने लगा लिया, या सर मैं नहीं लगा पाई, या मैंने लगा लिया है। ठीक है, तो आप ये कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।